बॉलीवुड से कुछ दिन पहले हमको बहुत ही बेहतरीन मूवी देखने को मिली थी, जिसका नाम था श्रीकांत, जो बायोपिक मूवी थी, रियल घटना पे बेस्ड थी। वहीं लीड रोल की बात करें, राजकुमार राय ने इस करेक्टर को प्ले किया था। ये करेक्टर एक ब्लाइंड करेक्टर था, क्या ही राजकुमार ने इस करेक्टर को प्ले किया था, इस करेक्टर में जान फूंक दी। भरत केलकर ने एक दोस्त का किरदार निभाया था, जो बिजनेस में उनको सेटल करने में हेल्प करते हैं। वहीं टीचर की बात करें, टीचर का किरदार ज्योतिका ने निभाया था। अगर ऐसी टीचर हो तो स्टूडेंट कौन से लेवल की ऊंचाइयाँ छुएगा, आप सोच भी नहीं सकते। वहीं डायरेक्टर की बात करें, डायरेक्ट किया था तुषार ने। वहीं इस मूवी में किसका पैसा लगा हुआ था, प्रोडक्शन हाउस था टी सीरीज। आज बात करने वाले हैं 11 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। वहीं इस मूवी के बजट की बात करें, इसका मूवी का बजट था 50 करोड़। यह मूवी अपना बजट भी रिकवर कर पाई है कि नहीं कर पाई है, इसी पर हम बात करने वाले हैं। बात करें फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, फर्स्ट डे दोस्तों 2 करोड़ 25 लाख इस मूवी ने कलेक्शन किया था। वहीं दूसरे दिन की बात करें, दूसरे दिन दोस्तों 4 करोड़ 2 लाख कलेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं तीसरे दिन की बात करें, तीसरे दिन 2 5 करोड़ 25 लाख इस मूवी करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें चौथे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, चौथे दिन दोस्तों 1 करोड़ 65 लाख कलेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें छठे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, छठे दिन दोस्तों 1 करोड़ 5 लाख कलेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं सातवें दिन की बात करें, सातवें दिन दोस्तों 1 करोड़ 4 लाख कलेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं आठवें दिन की बात करें, आठवें दिन दोस्तों 1 करोड़ 8 लाख कलेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं बात कर ले नवे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, नवे दिन दोस्तों 2 करोड़ 75 लाख इस मूवी ने करती हुई दिखाई दी थी। वहीं दसवें दिन की बात करें, दसवें दिन दोस्तों 4 करोड़ इस मूवी से कलेक्शन हुआ था। वहीं ग्यारहवें दिन की बात करें, ग्यारहवें दिन दोस्तों 1 करोड़ 5 लाख कलेक्शन देखने को मिला था। वहीं बात कर ले हिंदी नेट कलेक्शन की, कितना अभी तक हो चुका है, 27 करोड़ 6 लाख कलेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें ओवरसीज से कितना आया है, इंडियन ग्रॉस कलेक्शन अभी तक कितना हो चुका है, इंडियन नेट कलेक्शन कितना हो चुका है, और वर्ल्ड वाइज अभी तक ये मूवी कितना कर चुकी है। बात करें ओवरसीज से कलेक्शन की, अभी तक ओवरसीज से इस मूवी ने कितना कमाया है, 2 करोड़ 5 लाख कलेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें इंडियन ग्रॉस कलेक्शन की, इंडियन ग्रॉस कलेक्शन दोस्तों 32 करोड़ 85 लाख। वहीं इंडियन नेट कलेक्शन की बात करें, इंडियन नेट कलेक्शन से ही मूवी हिट और फ्लॉप होती है। इंडियन नेट कलेक्शन की बात करें 27 करोड़ 6 लाख कलेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं वर्ल्ड वाइड की बात कर ले, वर्ल्ड वाइड से दोस्तों अभी तक ये मूवी कितना करती हुई दिखाई दे रही है, 35 करोड़ 35 लाख कलेक्शन देखने को मिल रहा है वर्ल्ड वाइड से। वहीं बात करें बजट की, इसका बजट था 50 करोड़, ये अपना बजट अभी तक रिकवर नहीं कर पाई है। वही 11 दिन इस मूवी को हो चुके हैं, डे बाई डे कलेक्शन को घटता हुआ, और फ्राइडे सैटरडे कलेक्शन में हमको जम भी देखने को मिल रहा है। आई होप ये अगले हफ्ते में अपना बजट रिकवर कर ले। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।